नमस्कार आदाब और जय सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। आपके लिए यह वॉयस की दूसरी कक्षा है, जिससे पहले मैंने एक कक्षा डाल रखी है। यह दूसरी कक्षा है जो आपके सामने आज प्रस्तुत हो रही है, जिसमें हम वॉयस के विभिन्न पक्षों को देखेंगे कि और क्या क्या इसमें यूज हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा वॉयस के बारे में। यह सेकेंड क्लास है और यह इन्फिनिटिव वन अकेडमी की तरफ से आपके लिए विशेष पेशकश है। इन्फिनिटी वन अकेडमी की तरफ से यह आपके लिए विशेष उपहार है। इससे पहले हमारी रेपिडिक्स की भी कक्षा चल रही है, टेंस वगैरह भी हमारी हो रखी है, टेंस की, फ्यूचर टेंस की बची हुई है, वो भी जल्दी हो जाएगी। और यह ग्रामर की विशेष सीरीज चल रही है, और जिसमें आज हम वॉयस को देख रहे हैं, जिसमें अब हम आज देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वॉयस में इसका यूज कैसे होता है उसके बारे में हम इसको देखेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने टेंस को देखा था कि टेंस को तीन टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें हमने देखा था प्रेजेंट, देखा था पास्ट, देखा था फ्यूचर देखा था। उसी में से आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट वाले का, नहीं पास्ट वाले का देख रहे हैं, जिसमें पास्ट वाले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख रहे हैं, उसका चौथा पार्ट देख रहे हैं। पास्ट में जो देखते हैं सिंपल पास्ट देखते हैं, पास्ट पर कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट देखते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। उसी चीज को आज हम चौथा पार्ट पे, इसके चौथे पार्ट पे फोकस करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि, चलिए शुरू करते हैं। राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो हैड बीन ईटिंग बाय राम। क्या कहा गया? राम हैड बीन, आपको पता है कि हैड हैव किसके साथ लगता है, तो यहाँ पे हैड और बीन, हैड प्लस बीन का यूज हो रहा है, हैड प्लस बीन का यूज हो रहा है, बीन यूज किया जा रहा है। आप देखिएगा ईटिंग अ मैंगो, वी फोर इसके साथ, ध्यान दीजिएगा वी फोर इसके साथ, वर्ब वन प्लस में आई एन जी वी फोर, तो वी फोर यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसमें ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद आपने देखा अ मैंगो हैड बीन ईटिंग बाय राम के द्वारा। आगे देखिएगा स्ट्रक्चर कह रहा है हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन इसके साथ में ऐड क्या हो रहा है, बीन यूज्ड। हम इसको यूज करके इन सेंटेंस को बनाते हैं, राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, मैंगो अ मैंगो हैड बीन ईटिंग बाय ईटिंग बाय राम। ठीक है, आगे देखते हैं। Shall, should, will, would, can, could, may, might, must, etc. Plus बी प्लस में verb थ्री, बी प्लस में verb थ्री इज अ यूज टू मेक पैसिव बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। Shall का करते हैं, should का करते हैं, will का करते हैं, would का करते हैं, can का करते हैं, could का करते हैं, may का करते हैं, might का करते हैं, must का करते हैं, etc. या प्लस में उसके साथ बी, बी प्लस में verb थ्री प्लस में यूज टू मेक पैसिव, इसके साथ हम पैसिव बनाते हैं। ठीक है, जस्ट आगे एग्जाम्पल, राम बिल प्लेड फुटबॉल, राम बिल प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल बिल प्लेड बाय राम। ध्यान देखिएगा, राम बिल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल बिल बी प्लेड बाय राम। ठीक है, आगे देखिएगा। हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हिंदी ग्रामर में मैंने शुरू में हिंदी बहुत बता दिया है, अगर इंग्लिश ही पढ़ना है, हिंदी में ही पढ़ना है, तो फिर हिंदी ही पढ़ लो, इंग्लिश ग्रामर की जरूरत क्या पड़ती है, नो नीड फॉर दिस टाइम। ओके, सीता कैन ईट इन अ मैंगो, सीता कैन ईट अ मैंगो, ईट अ मैंगो, अ मैंगो कैन बी ईटन बाय सीता, अ मैंगो कैन बी ईटन बाय सीता, वेरी गुड। समवन नोइंग, ये नोबडी इसके साथ होता है, सिंगल नहीं डबल पर्सन के लिए ऐसे करते हैं, नोबडी समबडी एवरीबडी एवरीवन पीपल एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज एज बाय प्लस एजेंट, शुड नॉट बी
used as by plus agent. Example, people like Mohan. Mohan is liked. Mohan को पसंद किया गया. Mohan is liked. ऐसा आगे. Someone is calling you. Someone is calling you. You are being called. को बुलाया गया. The doctor examined the patient. The patient was examined. The teacher teaches Ramu. Ramu is tall. अब देखते हैं वॉइस. यहां पे हम देखते हैं वॉइस में कि 2 प्लस बी इज यूज्ड इन पैसिव. हम पैसिव में 2 प्लस बी का यूज करते हैं. जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आई एम टू प्ले चेस. चेस इज टू बी. अभी देखा आपने कि टू प्लस बी. तो देखा चेस इज टू बी प्लेड बाय मी. राम वॉज टू राइट अ लेटर. राम ये भी पास्ट में चल रहा है. वॉज है, नेम है. राम वॉज टू राइट अ लेटर. अ लेटर वॉज टू रिटन बाय राम. राइट रिटन में बदल गया, वर्ब थ्री हो गया यहाँ पे. अब देखिएगा उसके बाद इसमें इफ अ सेंटेंस. इफ का मतलब यदि होता है, अगर होता है, जो कहो सब हो जाएगा. इसमें कहा इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद इज देयर इज और इट हैज देन वेरी वी मेक पैसिव स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड्स. इनके साथ अगर करते हैं तो स्टार्टिंग में सम सेम वर्ड. जैसे कहता है कि हम सेंटेंस के लिए स्टार्ट्स विद इनके इज हम करते हैं. जैसे इज है, देयर है, इज है और इट हैज, देन वेरी वी मेक पैसिव स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड. जैसे इट इज टाइम टू प्ले. देन इट इज टाइम टू बी प्लेड. इट इज टाइम टू बी प्लेड. यहाँ वर्ब थ्री आप देखिए कि वर्ब थ्री कर दिया गया प्लेड और टाइम टू बी. अभी कहा गया कि यहाँ पे आपको टू बी जोड़ करके इसको किया गया है. ठीक है, उसी तरह से इट इज टाइम टू बी प्लेड. चलिए ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं. डबल ऑब्जेक्ट वाले में बात करते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. जैसे हम लोग सब्जेक्ट, जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं या कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, उसी जगह पे हम यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. इसमें रामू टोल्ड मी अ स्टोरी. तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी और स्टोरी, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको. उसी तरह से आगे बढ़ते हैं. I was told a story by Ramu. Ramu के द्वारा. आगे As a Ramu, it's a mango in the garden. Garden में a mango is eaten in the garden by Ramu, जो भी कहो. आगे a mango is eaten by Ramu in the garden. नेक्स्ट अब वॉइस कमांड पे चलते हैं. ये हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले देखे. डबल ऑब्जेक्ट के बाद कमांड की बात करते हैं. इस कमांड में अगर हम बात करते हैं, कमांड या रिक्वेस्ट को निर्दिष्ट करता है, रिक्वेस्ट को बताता है. प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया. आगे देखिएगा प्लीज या काइंडली, दोनों में से किसी एक का यूज होता है. रेपिड एक्स वाले में अगर आप देखिएगा सेशन में, दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं.
प्लीज काइंडली एक साथ करेंगे तो गलत होगा, रॉन्ग हो जाएगा, या प्लीज काइंडली एक साथ नहीं करते हैं इसलिए प्लीज या काइंडली, दोनों आप रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं कृपया, उस जगह पे आप इसको देखते हैं। जैसे रिक्वेस्ट में प्लीज हेल्प मी, आगे देखा यू आर रिक्वेस्टेड हेल्प मी, देन रूल सेकेंड या फर्स्ट रूल या सेकेंड रूल में प्लीज या काइंडली इज चेंज्ड इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू, बताया था बी टू इसके बारे में। आगे देखना अब सजेशन, हेल्प द पुअर शुड बी करनी चाहिए, शुड मतलब चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, देन रूल इसमें होता है रूल सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब थ्री, इसमें सब्जेक्ट के साथ है, शुड है, शुड के साथ क्या है वी थ्री वर्ब थ्री। उसके बाद ऑर्डर में चलते हैं, कॉल अ डॉक्टर, लेट अ डॉक्टर बी कॉल्ड, कॉल्ड अ डॉक्टर, ऑर्डर मिला किसी को कॉल्ड अ डॉक्टर, या लेट अ डॉक्टर बी कॉल्ड, थर्ड रूल, इसमें लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस वर्ब थ्री, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बी, जैसे सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ बी हुआ, तो यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ बी हुआ और प्लस वर्ब का या कॉल मतलब बुलाना किसी को होता है तो उसी से कॉल्ड बना, ठीक है। देखिएगा सेंटेंस में, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एन इंडिपेंडेंस कंप्लीट सेंस, और जिसका एक इंडिपेंडेंस कंप्लीट सेंस बनता है। बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को सेंटेंस में दिक्कत होती है, सेंटेंस में दिक्कत क्या होती है कि सेंटेंस बनाना ही नहीं आता है तो पढ़ेंगे क्या इंग्लिश, इज एम आर किसी भी चीज को प्रोनाउंस वहां पे आपको कैसे किस तरह से फील करना है वो आता ही नहीं है, इसीलिए आपके एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। कभी सेंटेंस पे भी हम चलेंगे, विशेष फोकस सेंटेंस पे होगा, कभी आधे घंटे 45 मिनट का क्लास कभी सेंटेंस पे रखेंगे जिसमें जो आपको दिक्कत होती है उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा फिर है एग्जाम्पल, मधु इज अ गुड गर्ल। अब सेंटेंस यहाँ पे देखिएगा, एक इसमें स्टेटमेंट हुआ, क्वेश्चन हुआ, कमांड हुआ, एक्सक्लामेशन हुआ, ध्यान देना 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, हर सेंस के पॉजिटिव और निगेटिव सेंस होते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन में जब देखिएगा, एक WH क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस या नो क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन टैग होते हैं, इसके बाद वाला वॉयस जब खत्म होगा तो क्वेश्चन टैग हम देखेंगे। आगे देखिएगा, राम डज नॉट इट अ मैंगो, देन अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय राम, कुछ नहीं खाया गया राम के द्वारा, आम नहीं खाया गया, ठीक है। आगे देखना, सीता डिड नॉट प्ले चेस, चेस डिड नॉट प्ले बाय सीता। नेक्स्ट, राम इज नॉट कॉलिंग यू, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय रामू। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली थोड़ी और इसकी 10-15 मिनट की वीडियो अगली नेक्स्ट क्लास में डलेगी। चलिए आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम अगली क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।